वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद अस की एक और नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किस तरह इस बीमारी ने हम सबकी ज़िंदगी को बदल दिया और ये कैसे पूरी दुनिया में फैल गई। तो आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का मेरा मकसद जो है वो ये है कि अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है इससे कुछ भी रिलेटेड, तो आप किस तरह से लिखेंगे, वो कौन सी बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे और किन किन पॉइंट्स को आप अपने एसे में शामिल करेंगे जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना जो एसे स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोडक्शन से करेंगे, मतलब आप बताएंगे कि ये जो बीमारी थी ये कहाँ से और कैसे फैली और कब फैली। उसके बाद आपको ये बताने कि कितने लोग अफेक्टेड हुए इससे और डेथ टोल कितना रहा, मतलब कितने लोगों को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। फिर आप बताएंगे इसके इफ़ेक्ट्स, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज एक साल से ज़्यादा हो चुका है इस बीमारी को फैले हुए, तो अब हम बहुत कुछ जान चुके हैं इसके बारे में। तो आपको ये बताना है कि इस बीमारी का असर क्या हुआ लोगों की ज़िंदगियों पर और क्या क्या चेंजेस आए, लोगों ने खुद को कैसे बदला, कैसे संभाला और किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हुई हमारे आसपास। फिर आप बताएंगे कि जो गवर्नमेंट से कंट्री से गवर्नमेंट उसने क्या स्टेप्स लिए इस बीमारी से निपटने के लिए, और लास्ट में आप कुछ सजेशन देंगे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऐसे को किस तरह से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने लिखा है, कोरोना वायरस और COVID-19 वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन December 2019 इन द वुहान प्रोविंस ऑफ चाइना एंड देन इट्स स्प्रेड थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। कोरोना वायरस या फिर जिसे हम COVID-19 भी कहते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया, कब किया गया, December 2019 में चाइना की वुहान प्रोविंस में, और फिर ये चाइना से पूरी दुनिया में फैल गया। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड कंट्रीज इम्पोज लॉकडाउन फॉर सेवरल मंथ्स। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि इस बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी जगह में लॉकडाउन लगा दिया था बहुत सारे महीनों तक, और सभी लोग घर पर बैठे रहे। स्कूल्स वर शट, ऑफिसेज वर क्लोज्ड एंड देयर वॉज नथिंग ऑन द रोड्स, नॉट इवन ह्यूमंस। स्कूल्स बंद कर दिए गए, ऑफिसेज बंद हो गए और सड़कों पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं थे क्योंकि सब लोग अपने घर पर बंद थे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड इट एज अ पैंडेमिक। WHO ने इसे पैंडेमिक की कैटेगरी में रखा। अब पैंडेमिक हमें पता होना चाहिए क्या होता है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अ पैंडेमिक इज अ डिसीज दैट स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, इट अफेक्ट्स एंड टेक लाइव्स इन लार्ज नंबर्स। पैंडेमिक वो बीमारी है जो कि कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स तक फैल जाती है और ये ज़्यादा नंबर्स में लोगों को अफेक्ट करती है और लोगों की जान भी लेती है। तो इस कैटेगरी में अगर कोई बीमारी आती है तो हम उसे पैंडेमिक कहेंगे। COVID-19 स्प्रेड्स वाया एयरबोन ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। जो COVID-19 है वो कैसे फैलता है, एयरबोन ड्रॉपलेट से, और या फिर अगर सरफेस किसी का कॉन्टैक्ट से सरफेस से कॉन्टैक्ट हो जाए तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। मैनी कंट्रीज गॉट अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक। द डेथ टोल अक्रॉस द वर्ल्ड इज मोर देन 2 मिलियंस एंड द टोटल केसेस रिपोर्टेड टिल नाउ आर अबाउट 11 मिलियन अकॉर्डिंग टू कोरोना वायरस वर्ल्डोमीट। मतलब ये कि बहुत सारी कंट्रीज ने में जो है कोरोना वायरस फैला और लोग अफेक्ट हुए इससे। डेथ टोल जो है दुनिया का मतलब इस वक्त आज की डेट तक जितने लोग मर चुके हैं वो करीब 2 मिलियन के बराबर हैं, और टोटल केसेस जो पाए गए दुनिया में अब तक वो 11 मिलियन है अकॉर्डिंग टू कोरोना वायरस वर्ल्डोमीटर। अब इसके बाद आप बताएंगे कि इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस द वायरस आउटब्रेक हैज़ रिजल्टेड इन द रिसेशन एंड हैज़ ग्रेटली अफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब से ये वायरस आउटब्रेक हुआ तो दुनिया में रिसेशन हुआ, जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो हद से ज़्यादा अफेक्ट हुई, और ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है। मैनी कंट्रीज आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसेशन, और जब से अब तक भी जो रिसेशन की प्रॉब्लम है ज़्यादातर कंट्रीज फेस कर रही हैं, ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है।
Millions of people have lost their jobs because of which some people took and are still taking drastic steps in committing suicide. अब ये बात तो सच है कि कोरोना वायरस से लोगों की न सिर्फ हेल्पर भी बनाई लेकिन कुछ लोगों की जॉब्स बहुत ज़्यादा गई और इससे क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपनी जानें ली और आज भी ले रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान ली। और ऐसी बहुत सारी जो खबरें हमने न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल्स पर सुनी है। When the whole world was battling this deadly pandemic, some people used their time to spread hatred and rumors to mislead people. और ये भी सच है कि जब पूरी दुनिया इस डेडली पैंडेमिक से लड़ रही थी तो कुछ लोग जो थे वो अपना वक्त कहाँ लगा रहे थे, हेट्रेड फैलाने में, रूमर्स फैलाने में, जिससे कि लोगों को गुमराह कर सके और उनको परेशान कर सके। तो ये गलत बात है। अगर हम किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो हमें, अगर हम कुछ नहीं कर सकते अच्छा, तो हमें कुछ गलत भी या बुरा नहीं करना चाहिए। अब ये हो गए नेगेटिव बातें, ठीक है, कि कोरोना वायरस जो पूरा फेस था उसके अंदर क्या क्या हुआ, लोगों को कैसे कैसे नुकसान उठाना पड़ा। अब आप इसके अंदर कुछ अच्छी बातें भी लिखेंगे कि आपने क्या अच्छाई देखी अपने आसपास होते हुए या आपने खुद उसे एक्सपीरियंस किया हो। तो मैंने जो स्टार्ट किया है वो इस तरह से किया है यहाँ पर, और आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। दिस ट्रुथ कांट बी डिनाइड दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज फॉर गुड ऑल्सो, कि ये सच भी हम नकार नहीं सकते कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छाई के लिए भी बदली। अब वो कैसे, एग्जांपल्स देते हैं। दोज हु वर अर्लियर डिपेंडेंट ऑन फास्ट फूड चेन्स लर्न टू फीड देमसेल्व्स। हम सभी जानते हैं कि आज कितने ज़्यादा जो है फास्ट फूड चेन्स पॉपुलर है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान तो ये सब कुछ बंद था। तो क्या हुआ, जो लोग फास्ट फूड चेन्स पर डिपेंडेंट रहते थे उन्होंने खाना बनाना सीखा, बहुत सारे काम उन्होंने खुद से सीखे। तो ये भी एक अच्छी बात हुई इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान। फिर वी अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। जब हम सब घर में थे हमने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताया और हमें एहसास हुआ कि फैमिली जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने उनके साथ एक अच्छा वक्त बिताया जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। वी एक्नॉलेज द ट्रू मीनिंग ऑफ शेयरिंग इज केयरिंग। हमने इस बात का सच्चा मतलब जाना कि शेयरिंग ही केयरिंग है। अगर हम लोगों के साथ अपना दुख दर्द बांट कर चले, हमारे पास जो कुछ है वो लोगों के साथ बांटे, अगर किसी भी तरह से हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो भी एक तरह की केयरिंग ही है। तो हमें इस बात की इम्पोर्टेंस पता चली, वैल्यू पता चली कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इसके बाद द हस्बैंड रियलाइज द वर्थ ऑफ हिज वाइफ एंड हेल्प हर इन डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स। जैसे हम सभी जानते हैं कि घर में ज़्यादातर हमारी जो मम्मी होती, लेडीज़ होती, वही काम करती है, लेकिन इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान हमने ये देखा कि ज़्यादातर लोगों ने बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि जो हस्बैंड थे घर के उन्होंने अपनी वाइफ की वैल्यू को, वर्थ को समझा और घर के काम करने में अपनी वाइफ की हेल्प करी। तो क्या ये एक अच्छी बात नहीं है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ की वैल्यू को जाना और सराहा। वी लर्न टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ आवर हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड सो मैनी पीपल अराउंड अस। हमने ये जाना, हमने अप्रिशिएट किया किन की मेहनत को, किन की डेडिकेशन को, अपने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को, वो डॉक्टर्स और वो नर्सेज और जितने भी वॉलंटियर्स थे और बहुत सारे लोगों के हमने मेहनत को जाना और सराहा। और ये देखा कि अगर कोई भी परेशानी का दौर, कोई भी मुश्किल का दौर हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम उससे मिलकर लड़ सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। अर्लियर वी यूज टू थिंक दैट आर यंग जनरेशन वॉज नॉट सो मच स्ट्रॉन्ग एंड वॉज इन फैक्ट अनप्रिपेयर्ड फॉर एनी ऑफ लाइफ चैलेंजेस। हम सभी की ये सोच होती है ज़्यादातर कि जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो हमसे उम्र में छोटी है, वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और अगर लाइफ में कोई चैलेंज आ जाए, कोई बहुत बड़ा चेंज आ जाए तो वो उसके लिए अनप्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन वी विटनेस्ड दैट आर यंग जनरेशन नॉट ओनली चेंज देयर परसेप्शन ऑफ लुकिंग एट लाइफ बट ऑल्सो बिकेम मोर टॉलरेटिंग एंड पेशेंट। हमने देखा कि जो हमारी यंग जनरेशन है इस लॉकडाउन के दौरान ना सिर्फ उन्होंने ज़िंदगी को देखने का अपना तरीका बदला, अपना परसेप्शन बदला, बल्कि उनके अंदर टॉलरेंस आई और उनके अंदर पेशेंस आए। वो जो पहले हल्ला गुल्ला करते थे वो थोड़ा कम हुआ और उन्होंने चीज़ों को समझना और जानना सीखा। इसके बाद वी लर्न हाउ टू अडैप्ट टू अ सिचुएशन अबाउट विच नो वन हैड एनी आइडिया दैट इट वुड अकर। हमने ये जाना कि अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता कि वो होगी हमारी ज़िंदगी में आगे, उसे कैसे अडाप्ट करना है, उसे कैसे निपटना है, हमने ये सीखा।
we learn how to fight against an unknown, unfamiliar and an invisible thing. हमने जाना कि हम एक ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम जानते नहीं हैं और जो बिल्कुल अनजान है, उससे हम कैसे लड़ेंगे. जैसे कि वायरस हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन हमने लड़ा और हमने कहीं तक किस कुछ हद तक उस पर जीत हासिल की. In fact, we found a new courage inside us and rebuild our lives against all odds. और ये बात हम कह सकते हैं कि हमने एक नया जो करेज है अपने अंदर पाया इस पूरी सिचुएशन के दौरान, और उसको समझा और उसको पहचाना, और अपनी ज़िंदगी जो है हमने दोबारा खड़ी करी इन मुश्किलों से उभर कर. वी लर्न टू एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस. जो नेचर की प्रकृति खूबसूरती, हमने उसे एडमायर करना जाना, उसे सराहा. मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स स्पेंड देयर टाइम इन अ पॉल्यूशन फ्री एटमोसफेयर. बहुत सारी जो बर्ड्स और एनिमल्स जो स्पीसीज हैं, उन्होंने अपना जो वक्त है पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में गुजारा. कैसे गुजारा? क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जो थे वो घर पे बंद थे, इसलिए बाहर एयर पॉल्यूशन नहीं था, वाटर पॉल्यूशन नहीं था. तो क्या है, हमने नेचर के साथ भी एक अच्छा बैलेंस बनाया. द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन लेवल ड्रॉप डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. हम सभी जानते हैं कि जब बाहर कार्स नहीं चली, व्हीकल्स नहीं चले, तो जो एयर पॉल्यूशन था और वाटर पॉल्यूशन भी, वो कुछ हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक कम हुआ. एंड ह्यूमन बींग्स एंड नेचर बिकेम फ्रेंड्स अगेन. और जो इंसान और जो प्रकृति है वो दोबारा से दोस्त बन गई. तो ये सभी बातें हुई कोरोना वायरस की पॉजिटिव पॉइंट्स की, उससे क्या चेंज आया हमारी लाइफ में. अब हम जानते हैं कि आज एक साल हो चुका है, अब हमें ये बताना है आज क्या सिचुएशन है इसको लेकर. तो आप लिख सकते हैं, आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर द डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज लाइक फाइजर, मॉडर्ना हैव डेवलप वैक्सीन फॉर कोविड-19 एंड पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड इन लार्ज नंबर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. कि आज एक साल हो चुका है और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मतलब जो दवाइयाँ बनाती हैं, जैसे कि फाइजर, मॉडर्ना, इन्होंने वैक्सीन डेवलप करी कोविड-19 के लिए, और आज बहुत ज़्यादा लोग जो है इस वैक्सीन को अपने लगवा रहे हैं, जिससे कि वो इससे इम्यून हो सके. और लास्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप अपना ये ऐसे एंड करेंगे तो आप सजेशन देंगे, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं. द होल वर्ल्ड As well as our lives have changed because of this pandemic. कि ये बात सच है कि इस pandemic की वजह से पूरी दुनिया और हमारी ज़िंदगी दोनों ही बदली है. But there is still something which needs to be changed. लेकिन अभी कुछ और भी है जो बदलना चाहिए, वो क्या है? As we know very well that people are misled in one way or the other, there should be some accountable source on which people can trust and rely for authentic information. जैसे कि मैंने बताया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग जो है अफवाहें फैला रहे थे, रूमर्स फैला रहे थे, हेट्रेड फैला रहे थे. तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोई ऐसी अकाउंटेबल सोर्स होनी चाहिए जिस पर लोग ट्रस्ट कर सके और उनको वहाँ से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, मतलब वहाँ पर कोई गड़बड़ ना हो. तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए. द गवर्नमेंट शुड वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. जो हमारी सरकार है, सभी देश की सरकारों को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना चाहिए. इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट एवरी इंडिविजुअल्स हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. सरकार को, हमारी अथॉरिटीज़ को ये समझना होगा कि हर इंसान की जो हेल्थ है वो इम्पॉर्टेंट है, वो वैल्यू रखती है. हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी. कि जो नागरिकों की हेल्थ है, सिटीजन्स की हेल्थ है, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. और हम एंड में हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 हैज़ श्योरली डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर एवरीवन. कि कोविड-19 ने सच में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है सबके लिए. और वो क्या है? एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. कि बादल के बाद जो है, जब बादल छटते हैं हमें रोशनी दिखती है, खुला आसमान दिखता है. तो लाइफ में कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमें मायूस, होपलेस नहीं होना चाहिए. परेशानी आती है सबकी लाइफ में, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए होती है, हमें उससे उभर कर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए. सो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग एंड वी शुड रिमेन पॉजिटिव इन एवरी डिफिकल्टी. लाइफ में कितनी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए अपने एटीट्यूड में, अपनी सोच में, अपने तरीकों में. एंड वी होप दैट देयर इज़ अ न्यू वर्ल्ड कमिंग एंड वी आर डेफिनेटली लर्निंग हाउ टू सर्वाइव इन इट. और हम जानते हैं कि एक नया जो दुनिया है, एक नई जो ज़िंदगी, वो हमारा इंतज़ार कर रही है, वो ज़रूर आएगी और हम उसके अंदर सर्वाइव करने के लिए तैयार रहेंगे. तो आप इस तरह से अपने ऐसे का एंड कर सकते हैं. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. अगर आपको इस तरह का कोई ऐसे लिखने के लिए आता है, तो आप उसे किस तरह से स्टार्ट करेंगे, किस तरह प्रोसीड करेंगे और कैसे एंड करेंगे. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल ईजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.